इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइव से मल्टीप्लाई करने के फास्ट तरीके को अब फाइव से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है मान लीजिए अगर फाइव लिखा हो तो फाइव को हम क्या इस तरह से नहीं लिख सकते बाय है ना ये भी तो फाइव ही देता है तो बस इसी नॉलेज का हम यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में जैसे यहां पर हमसे कहा गया है कि थर्टी एट को हमें मल्टीप्लाई करना है फाइव से तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे थर्टी एट मल्टीप्लाई बाय टेन बाय टू ठीक है अब यहाँ पे चूंकि हमारा जो नंबर है वो यहां पे इवन नंबर है तो ये टू से इजीली डिवाइड भी हो जाएगा ये हमें देगा वन नाइन और जो हमारा टेन था, वो हमें दे देगा एक जीरो तो वन जीरो हमारा आंसर हो जाएगा उसी तरीके से अगर थ्री सेवन को हमें फाइव से मल्टीप्लाई करना हो तो इसे हम लिखेंगे थ्री सेवन थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन बाय टू अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि ये जो नंबर है ये ऑड नंबर है ये इवन नंबर नहीं है है ना तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हम इसे से लिखें? हम इसे लिखना चाहेंगे एक नंबर इसमें से कम करके लिखेंगे मतलब इसे ब्रेकअप करके थ्री सेवनटी टू प्लस थ्री सेवनटी थ्री को मैंने लिखा थ्री सेवनटी टू प्लस वन और इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं टेन बाय टू से अब ये आसान हो गया क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा हो गया इवन नंबर तो फटाक से टू से डिवाइड हो जाएगा और वन डिवाइड बाय टू हमें पता है पॉइंट फाइव होता है तो अगर 372 को हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे जाएगा वन टाइम्स फिर यहाँ पे 17 है तो एट टाइम्स और यहाँ पर सिक्स टाइम्स और ये हमें जो वन था ये हमें देगा जीरो पॉइंट फाइव तो यहाँ हम लगा देंगे डेसीमल के बाद फाइव अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे टेन से तो टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसीमल पार्ट हट जाएगा तो वन एट सिक्स फाइव हमारा आंसर हो जाएगा उसी तरीके से अगर हमें 843 को 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो यहां पर अगेन मैं देख रहा हूँ कि ये हमारा ऑड नंबर है तो इसे मैं किस तरह से लिखू एट फोर्टी टू प्लस वन इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फाइव की जगह हम लिखेंगे टेन बाय टू से अब यहां पर इसे जब हम टू से डिवाइड करेंगे तो हमें देगा फोर ट्वेंटी वन और वन हमें देगा जीरो पॉइंट फाइव तो यहां हम डेसिमल लगा देंगे अब जब इसे हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा फोर टू वन फाइव तो ये तरीका है फाइव से जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम फाइव ना लिख के उसकी जगह लिखेंगे अगर हमारा नंबर इवन होगा तो तो जो वो तो फटाक से हमारा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा अगर ऑड नंबर आया तो उसे हम ब्रेक करेंगे पिछला मतलब तो एक माइनस वन करके हम उसे ब्रेक करेंगे तो थ्री सेवनटी थ्री था तो मैंने इसे लिखा थ्री सेवनटी टू प्लस वन वन बाय टू मुझे पता है पॉइंट फाइव होता है और इसका तो मैं हाफ आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये तरीका है फाइव से मल्टीप्लाई करने का अब इसी तरीके का यूज़ करके आप इन तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए